तो वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड बाय सिटिंग एट द फर्स्ट हाउस ही मेक्स द पर्सन वेरी ब्यूटिफुल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मून इन द फर्स्ट हाउस एंड द वीनस इन द फर्स्ट हाउस? जो मून फर्स्ट हाउस पे बैठता है वो भी इंसान ब्यूटीफुल है, लेकिन उसमें मदर के ट्रेट ज्यादा है, वो मदरली ब्यूटीफुल है. और जिनका वीनस बैठता है ये इनके शरीर में, इनके अंदाज में मादकता होती है, लस्टफुलनेस जो बोलते हैं, या वो वीनस वाले ट्रेट जो है, जहां पे आदमी जो है वो कामुक दिखेगा. तो वीनस इन द फर्स्ट हाउस मेक्स पर्सन बॉडी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, कामुक. अगर अगर बिकॉज ऑफ सम रीजंस अगर आदमी दिखने में कामुक नहीं दिख रहा है ऐसा आपको लगता है, लेकिन फिर भी लेडीज अपोजिट जेंडर है ना, लेडी है तो फिर मेल, मेल है तो फिर लेडी, विल फाइंड देम अट्रैक्टिव बाय हुक और बाय क्रुक. वो वीनस इन द फर्स्ट हाउस विल मेक पर्सन वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड कामुक. फिर इस इंसान के लाइफ में वेल्थ बहुत आएगी. वीनस गुरु का कारक है, गुरु है, दैत्य गुरु है, तो ये इनके लाइफ में काफी इंटेलिजेंस भी देता है. और वीनस जो है हर तरह का जो टैलेंट है वो वीनस दर्शाता है, ऑल काइंड्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, गायन, सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, डूइंग समथिंग, यू नो, हाथ से ड्रॉ कर रहे हो, गायन कर रहे हो, डांस कर रहे हो, अच्छे से तलवारबाजी कर रहे हो, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो वीनस दर्शाता है. और वीनस अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये सभी टैलेंट्स को, टैलेंट से आपको ग्रेस करता है. यू कैन बी अ वेरी गुड पर्सन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स वेरी इजीली व्हेन वीनस इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस. जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है वो वीनस के अंदर आते हैं, और जितने भी रिचुअलिस्टिक आर्ट है, ये पूजा अर्चा करना, मंदिर में जाना, वो सभी गुरु के इसमें आते हैं. ठीक है, वीनस फर्स्ट हाउस पे बैठेगा तो आदमी को बहुत अच्छी लेवल पे क्रिएटिव बना देता है, द पर्सन बिकम्स वेरी वेरी क्रिएटिव. और बिकॉज वीनस इज अ कारक ऑफ लग्जरी, बिकॉज वीनस इज अ कारक ऑफ लग्जरी, द मोमेंट इट सिट्स इन द फर्स्ट हाउस दिस पर्सन नाउ वॉन्ट्स टू हैव एवरी पॉसिबल लग्जरी इन द लाइफ. तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे फोन, महंगा महंगा ड्रेस, तो ये जो भी करेगा छोटा नहीं करेगा और सस्ता नहीं करेगा. वो बोलेगा मैं 10 ड्रेस नहीं लूंगा, मैं एक ही ड्रेस लूंगा, लेकिन वो दिखने में अच्छा चाहिए, फील में अच्छा चाहिए, मजा आना चाहिए. तो जो भी लोग ये करते हैं वो लग्जरियस नेचर का ही उनको चाहिए रहता है, लग्जरियस नेचर वो चाहते हैं. सो व्हाट एवर दे डू दे वॉन्ट इट टू बी वेरी वेरी लग्जरियस. और ये इनकी लाइफ में सभी लग्जरीज को अट्रैक्ट भी करते हैं, वो लग्जरी चाहते भी. ठीक है, और जहां पे वीनस बैठता है, जहां पे वीनस बैठता है आपके कुंडली में, उस भाव से आपको आनंद की इच्छा होती है, वहां से आपको आनंद मिलता है. तो इनको अपनी बॉडी या बॉडी पे पहनने वाली चीजें या जो भी एक्यूमुलेशन है उनसे इनको मजा आता है. वीनस इज द फर्स्ट हाउस, ये आदमी जो है वो ज्वेलरी, कार्स, बड़े हाउसेस, इन सभी को इच्छा रखेगा. अब वीनस फर्स्ट हाउस में बैठ के सातवें घर को भी एस्पेक्ट करता है, इसीलिए इनकी जो स्पाउस होती है या होता है वो भी दिखने में सुंदर होते हैं. ये तो खुद भी सुंदर है, इनके स्पाउस भी सुंदर है. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सर, कैन यू रिपीट दैट स्टेटमेंट? जहां भी जिस भाव में बैठता है उस भाव के उस भाव से आपको आनंद मिलता है, सुख मिलता है. सुख देने का काम आपका वीनस का है. अगर सर, अगर लग्न में, अगर लग्न में बैठा हुआ वीनस अफ्लिक्टेड है तो यही वीनस आपको आपको लग्जरी के लिए चीट करवा सकता है. यू विल लाइक टू हैव लॉट ऑफ लग्जरीज अराउंड यू एंड दैट इज व्हाई यू विल चीट. और यही आपको ऑब्सेशन दिलाएगा. वीनस जहां से जहां पर बढ़ेगा उन चीजों से आपको ऑब्सेशन दिलाने का काम करता है ना, ऑब्सेशन यहां से आता है. तो अगर अफ्लिक्टेड है तो ऑब्सेशन आएगा इन सब चीजों को लेके, और इन सब चीजों के लिए आप चीट भी कर सकते हो. टेंडेंसी ऑफ शो ऑफ, अगर अफ्लिक्टेड वीनस हो जाएगा तो आपको ये शो ऑफ का टेंडेंसी दे देगा. ठीक है,
और ये अकेला प्लैनेट है जो जुपिटर की जगह ले सकता है इस युग में। इस युग में या तो आप जुपिटर से डोमिनेट रहोगे या वीनस से डोमिनेट रहोगे। यू विल बी आइदर बी डोमिनेटेड बाय, क्योंकि दोनों गुरु है, दोनों गुरु है, तो आपकी लाइफ में या तो आपके इसमें जुपिटर ज्यादा आएगा या फिर वीनस ज्यादा आएगा। कैसे समझने का कि कौन सा ग्रह ज्यादा डोमिनेटेड है आपकी लाइफ में? अगर पैसे की कमी है, नॉलेज ज्यादा है, तो जुपिटर डोमिनेट है, और पैसा नॉलेज दोनों बहुत है तो वीनस डोमिनेट है, और आप लग्जरी चीजें रखते हो तो फिर वीनस ज्यादा डोमिनेट है। तो मेरी लाइफ में वीनस ज्यादा डोमिनेट है ना, तो इसलिए हम लोग पैसे भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और नॉलेज को भी लेके चल रहे। गुरु का टेंडेंसी क्या है, गुरु का प्रॉब्लम क्या है, इस जन्म में, इस युग में गुरु जो है वो आपको हैंडीकैप कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही आइडियलिस्टिक है, वो पैसे नहीं कमा पाएगा। पर गुरु के केस में यू विल बी मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, वीनस के केस में यू विल हैव दी वर्डली प्लेजर्स, है ना, जो भौतिक सुख है वो आपको वीनस के केस में बहुत आ जाएंगे, और जुपिटर के केस में आपको मेंटल पीस और स्पिरिचुअलिटी को एक्सेस करना इजी हो जाएगा। अब वीनस जो है वो सातवें घर पे आस्पेक्ट करेगा, करेक्ट, और वीनस जो है वो डिजायर का प्लैनेट है, वीनस को हर कोई चाहता है, वीनस की तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। इसीलिए अगर वीनस फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ये आपको बहुत ज्यादा बिजनेस पार्टनर दिला सकता है। वीनस वालों लोगों के साथ, वीनस इन द फर्स्ट हाउस लोगों के साथ हर कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है। वीनस इन द फर्स्ट हाउस पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू अ लॉट, इट डजंट सर, मैटर व्हाट यू आर। पीछे वाला पॉइंट बताइए ना सर, पार्टनर वाला प्लीज। अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो वो सातवें घर पे आस्पेक्ट देता है जो कि पार्ट बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। इसीलिए इसीलिए ये आप यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे पार्टनरशिप करने की इच्छा रखेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप, शादी तो एक ही होगी ना, लॉ है सर, तो लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि वीनस बने हुआ आप, लग्न पे वीनस, इंटेलेक्ट पे वीनस, लग्जरियस थिंग, लग्जरीज फ्रेंड्स भी ऑप्शन। उतने होंगे ना, फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स तो अफेयर्स। 11वें घर में ना, अच्छा, अफेयर्स फ्रेंड्स के तो 11वें घर में, अफेयर्स भी पांचवा है ना, वो भी इधर नहीं। रोमांटिक अफेयर्स नहीं बोलेंगे उसको, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, रोमांस आपको फिर तो से पता चलता है। अगर आपने शादी के बाद किया तो अफेयर होता है, मतलब शादी के बाद किसी और के साथ, वाइफ के साथ किया तो फिर भी चलता है। राइट सर, हम ऐसा कह सकते हैं कि अश्विनी मधुबाला के, और अश्विनी के वाइफ से ना बोल मरिन रहे कि बीवी से तो पॉसिबल ही नहीं है। वही से वो ना बोल रहे, ही सेइंग नो नॉट पॉसिबल विद द वाइफ, पर वो कंपल्शन है आपको, इट हैज टू बी वाइफ। बोलिए। हाँ सर, बोलिए। मेरा ये कहना है कि दैट मींस कि मधुबाला और मर्लिन मुंडरो के फर्स्ट हाउस में शुक्र हो सकता है। मून भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है ना, मून भी तो लोगों को ब्यूटीफुल बनाता है ना,